सूक्ति मौक्तिकम पंचम पाठ। यह शमुषी पुस्तक का पांचवा पाठ है और इसमें सूक्तियों के माध्यम से जीवनोपयोगी शिक्षा दी गई है। हम आगे बढ़ें इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि कृपया मेरे चैनल कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। वृत्तम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः। वनवासी रामः वित्ततः क्षीणः सन् अक्षीणः। ऐश्वर्य संपन्नः रावणः वृत्ततः हतः हतः। अन्वयः मनुष्यः वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तं तु एति च याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति वृत्ततः तु हतः हतः। शब्दार्थः वृत्तम् अर्थात् चरित्र, वित्तम् धन, यत्नेन प्रयत्नपूर्वक, संरक्षेत का अर्थ होता है रक्षा करनी चाहिए, अक्षीणः जो नष्ट नहीं हुआ, जो क्षीण नहीं हुआ, अर्थात मनुष्यः मनुष्य को वृत्तम् अर्थात चरित्र की यत्नेन यत्नपूर्वक संरक्षित रक्षा करनी चाहिए। मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए क्योंकि वित्तम अर्थात धन तो आता है एति च याति च और जाता रहता है, पर वित्ततः क्षीणः अक्षीणः भवति। अगर व्यक्ति धन से क्षीण हो जाए, अगर वह गरीब भी हो जाए तो भी मनुष्य नष्ट नहीं होता। अक्षीण का अर्थ होता है नष्ट न होना, जो क्षीण न हुआ हो। तो वित्तता क्षीण अक्षीण भवति। अगर व्यक्ति धनहीन भी हो जाए, धन के क्षीण हो जाने पर भी अक्षीण रहता है, वह नष्ट नहीं होता। पर वृत्ततः तु हतः हतः, यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया, वृत्ततः का अर्थ होता है चरित्र, तो यदि उसका चरित्र नष्ट हो गया तो वह संपूर्णतः हतः अर्थात नष्ट हो गया। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च एव अवधारयताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अन्वयः इस प्रकार से है, भोजनाः अरे लोगो हे लोगो धर्म सर्वस्वम श्रूयताम। धर्म का सार सबको सुनना चाहिए, सब कोई सुनिए। श्रुत्वा च एव अवधारयताम, सुन करके उसको समझ लें कि आत्मनः प्रतिकूलानि तानि परेषां न समाचरेत। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपने लिए प्रतिकूल लगे, अपने लिए उचित न लगे, ऐसा आचरण परेषां न समाचरेत, दूसरों के प्रति व्यवहार में न लाएं, ऐसा आचरण दूसरों के प्रति न करें। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, श्रूयताम सुना जाए, धर्म सर्वस्वम धर्म का सार, अवधारिताम समझा जाए। हम इसका अर्थ फिर से पढ़ते हैं, हे लोगो धर्म का सार सुनिए, सुनकर समझ लें कि जो व्यवहार अपने लिए प्रतिकूल लगे उसे दूसरों के प्रति आचरण न करें। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्माद् तदेव वक्तव्यम् वचने का दरिद्रता। यह श्लोक चाणक्य नीति से लिया हुआ है। बालिकाः अप्रिय वचनेन असंतुष्टः अस्ति। बालिका प्रिय वचनेन तुष्यति। पश्य अन्वयः सर्वे जन्तवः सभी जंतु सारे प्राणी प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्यों के प्रदान करने से अर्थात प्रिय वाक्यों के बोलने से तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम् इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। कैसा बोलना चाहिए? प्रिय। यतो ही क्योंकि वचने का दरिद्रता, वचनों में कैसी दरिद्रता। शब्दार्थ ऐसे हैं,
प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्यों के बोलने से, तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं। तदेव अर्थात वही वक्तव्यम बोलना चाहिए। अर्थ इस प्रकार से है, सभी प्राणी मधुर वचनों के बोलने से प्रसन्न होते हैं, अतः वैसा ही बोलना चाहिए। मधुर बोलने में कैसी कंजूसी। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, नादन्ति सस्यं खलु वारिवाहाः, परोपकाराय सतां विभूतयः। मेघा परार्थाय, संतः अपि परार्थाय। अन्वयः, नद्यः स्वयमेव अम्बः न पिबन्ति, वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वारिवाहाः सस्यं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। नद्यः नदियां स्वयमेव स्वयं अम्बः अर्थात जल न पिबन्ति, नहीं पीती, नदियां अपना जल खुद नहीं पीती। वृक्षाः स्वयमेव फलानि न खादन्ति, वृक्ष भी स्वयं अपने फल नहीं खाते। वारिवाहाः, वारिवाहा जो वारि का वहन करके लाएं अर्थात बादल, वारि माने होता है जल, तो जो जल को वहन करके लाएं ऐसे बादल सस्यम न अदन्ति, सस्यम अर्थात फसल को न अदन्ति, नहीं खाते, क्योंकि सताम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। संतों की विभूतियां, संतों की समृद्धि तो दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए होती है। अम्बः अर्थात जल, वारिवाहः बादल, शस्यम का अर्थ होता है फसल, अदन्ति माने खाते हैं, विभूतयः समृद्धियां। गुणस्वेव ही कर्तव्यः प्रयत्नः पुरुषः सदा, गुणयुक्तो दरिद्रो अपि नैश्वरेर गुणः समः। विदुरः दुर्योधनः। अन्वयः, पुरुषः सदा गुणेषु एव ही प्रयत्नः कर्तव्यः, पुरुषः अर्थात पुरुषों को, मनुष्यों को, गुणेषु एव ही गुणों की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, जो गुण युक्त हो अर्थात जिसमें गुण हो, गुणवान व्यक्ति यदि दरिद्र भी है, दरिद्रः अपि, अपि का अर्थ होता है भी, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, जो गुण युक्त व्यक्ति है अर्थात गुणवान व्यक्ति है, यदि वो गरीब भी है तो भी अगुणः ईश्वरः, अगुणः माने गुणहीन, और ईश्वरः का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, अर्थात गुणहीन ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के समह न भवति, समान नहीं होता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। अर्थ फिर से पढ़ते हैं, पुरुषों को, मनुष्यों को गुण प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि गुणवान धनहीन व्यक्ति भी अगुण है अर्थात गुण रहित, ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली व्यक्तियों के समह न भवति, बराबर नहीं होता, अर्थात वह उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ होता है। ईश्वर का अर्थ होता है ऐश्वर्यशाली, समह अर्थात समान, और गुणे है गुणों से। आरंभ गुर्वी क्षयणी क्रमेण, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, छायैव मैत्री खल सज्जनानां। दिनस्य पूर्वार्ध छाया आरंभे गुर्वी ततः क्षीयते, परार्ध छाया आरंभे लघ्वी भवति पश्चात वर्धते। तो ये एक जो फिनोमेना हम नेचर में देखते हैं कि सुबह के समय छाया जो है वो आरंभ में लंबी होती है और धीरे धीरे छोटी होने लगती है, घटने लगती है, और दोपहर के पश्चात परार्ध में, अपराह्न में छाया शुरू में लंबी होती है, सॉरी शुरू में थोड़ी छोटी होती है और बाद में वर्धते अर्थात लंबी होने लगती है। इस नेचर के फिनोमेना को लेकर के
मैत्री के बारे में, मित्रता किससे करनी चाहिए, इस संबंध में बहुत समझदारी की बात इस श्लोक में बताई गई है, इस सूक्त में बताई गई है। खल सज्जनानां मैत्री दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयणी पुरा लघ्वी पश्चाच वृद्धिमति भवति। आरंभ गुर्वी का अर्थ होता है आरंभ में लंबी, क्षयणी अर्थात घटते स्वभाव वाली, लघ्वी छोटी, पूर्वार्ध पूर्वान्न यानी कि सुबह के समय, छायैव छाया के समान, खल दुष्ट क्रमेण धीरे धीरे, पुरा माने पहले, और वृद्धिमति का अर्थ होता है लंबी होती हुई, अपरार्ध अपरान्न भिन्न अर्थात अलग अलग। इसका अर्थ हम इस प्रकार से समझें कि खलस्य मैत्री अर्थात दुष्टों की मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध छाया एव, दिन के पूर्वार्ध में जो छाया होती है, एव माने उसी की तरह आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी होती है, और क्रमेण क्षयणी भवति, क्रमेण क्षयणी भवति अर्थात धीरे धीरे क्षय होती जाती है, घटती जाती है। इस सूक्त में एक नेचुरल फिनोमेना है कि सुबह के समय छाया थोड़ी लंबी होती है और बाद में कम होती है, और अपराह्न में दोपहर के बाद छाया शुरू में तो छोटी होती है लेकिन बाद में लंबी होती जाती है। इस नेचुरल फिनोमेना को बेस बना करके मित्रता के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि दुष्ट लोग जो हैं वो काम निकालने के लिए बहुत जल्दी मित्रता कर लेते हैं, और जब उनका काम निकल जाता है तो फिर वो उनकी मित्रता भी गायब हो जाती है, उस मित्रता का कहीं अता पता नहीं होता है। तो खलस्य मैत्री दुष्ट लोगों की मित्रता दिनस्य पूर्वार्ध छाया एव, दिन के पूर्वार्ध की छाया की भांति आरंभ गुर्वी आरंभ में तो होती है लंबी, और क्रमेण क्षयणी और धीरे धीरे क्षयणी अर्थात छोटी होती जाती है। जबकि सज्जना नाम मैत्री सज्जन लोगों की मित्रता दिनस्य परार्ध छाया एव, दिन के परार्ध में जो छाया होती है अर्थात दिन के अपराह्न में जो छाया होती है या दोपहर के बाद जो छाया होती है, छाया इव उस छाया की भांति पुरा लघ्वी, पुरा माने पहले, पहले थोड़ी छोटी होती है, पश्चात च वृद्धिमति भवति और बाद में लंबी होने लगती है। इस सूक्त में यह कहा गया है कि सज्जन लोगों की मित्रता शुरू में तो थोड़ी छोटी होती है, सज्जन लोग एक साथ ही बहुत ज्यादा मैत्री नहीं दिखाते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी मित्रता प्रगाढ़ होती जाती है, बढ़ती जाती है। उस वैसे ही है जैसे कि छाया अपराह्न में शुरू में छोटी होती है लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है छाया लंबी होती जाती है। तो इस अन्वय में, इस सूक्त में इसी बात को कहा गया है, सज्जन लोगों की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान शुरू में छोटी और धीरे धीरे बढ़ने वाली होती है, दुष्टों की मित्रता दिन के पूर्वार्ध की छाया के समान शुरू में अधिक और क्रमशः क्षीण होने वाली होती है। इसका विशेष अर्थ इस प्रकार से है, सज्जनों की मित्रता शनै शनै प्रगाढ़ होती है, ना कि प्रथम परिचय में ही घनिष्ठता आती है, पर दुष्टों की मित्रता स्वार्थ साधने हेतु होती है, जो आरंभ में घनिष्ठ दिखती है पर काम निकल जाने के बाद धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। और सबसे अधिक जो मित्रता का उदाहरण प्रसिद्ध है वो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का। कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी के पैर जो कि घायल थे, जगह जगह से खून निकल रहा था, वैसे पैर देखे तो कहा जाता है कि उन्होंने पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिके करुणा निधि रोए। तो अगर मित्रता हो तो भगवान श्री कृष्ण
और सुदामा जैसी जो सिर्फ स्वार्थ का ही साधन न हो। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेसाम ही सरोवराणाम येसाम मरालयः सह विप्रयोगः। सरः हंसाभ्याम शोभते, सरः विना वरालय न शोभते। अन्वयः हंसाः महीमंडलनाय यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः। हंस जो हैं महीमंडल अर्थात पृथ्वी को मंडनाय सुशोभित करने के लिए, यत्रापि कुत्रापि यहाँ वहाँ कहीं भी, गता भवेयुः चले जाएंगे। हंसाः हंस महीमंडल अर्थात पृथ्वी को मंडनाय सुशोभित करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी चले जाएंगे। हानि तो तेसाम सरोवराणाम भवति, हानि तो उन सरोवरों की होती है ये शाम जिनका मरालयः सह जिनका हंसों के साथ विप्रयोगः भवति, विप्रयोग अर्थात वियोग होता है। हानि तो उन सरोवरों की होती है जिनसे हंस चले जाते हैं, क्योंकि तब उनकी शोभा घट जाती है। अर्थ इस प्रकार से है, पृथ्वी तल को सुशोभित करने के लिए हंस जहां कहीं भी चले जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। विशेष अर्थ इस प्रकार से है कि गुणवान व्यक्ति कहीं भी रहे, वह अपने गुणों से संसार को लाभान्वित ही करेगा, पर वह जिस स्थान से चला जाएगा वह स्थान निश्चय ही उसके अभाव का अनुभव करेगा और उसके लाभों से वंचित हो जाएगा। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तोयाः प्रवहन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्ति पेयाः। यह सूक्त हितोपदेश से लिया गया है और इस सूक्त में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है कि गुण जो हैं जब किसी गुणवान व्यक्ति के पास रहें तभी वह गुण रहते हैं, अर्थयुक्त होते हैं, और गुण भी अगर किसी गुणहीन व्यक्ति को मिल जाए या गुणहीन चीज में मिल जाए तो वो व्यर्थ हो जाते हैं। उदाहरण दिया गया है नदी के जल से, नद्यः जलं मधुरं तदेव समुद्रं गत्वा अपेयं भवति। नदी का जल तो होता है मधुर, लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाता है तो खारा होने के कारण अपेय हो जाता है। अन्वयः गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति, गुण जो होते हैं गुणज्ञेषु गुण को जानने वालों में ही, गुणवान लोगों में ही गुण होते हैं। निर्गुणं प्राप्य अर्थात जिनमें कोई गुण नहीं है, गुणहीनों को प्राप्त होकर के ते दोषाः भवन्ति, वो गुण भी दोष बन जाते हैं। कैसे? वैसे ही जैसे आस्वाद्य तोया, आस्वाद्य यानी स्वादिष्ट, तोय का अर्थ होता है जल, स्वादिष्ट जल को लेकर नद्यः प्रवहन्ति नदियां बहती हैं। ते समुद्रम आसाद्य, वे भी समुद्र को आसाद्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, वो भी समुद्र को प्राप्त करके अपेयाः भवन्ति, अपेय बन जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती। शब्दार्थ इस प्रकार से हैं, गुणज्ञेषु गुण को जानने वालों में अर्थात गुणवान, निर्गुणम अर्थात जो गुणहीन है, दोषाः दुर्गुण, आस्वाद्यतोयाः स्वादयुक्त जल वाली, आसाद्य का अर्थ होता है प्राप्त करके, प्रवहन्ति बहती हैं, नद्यः नदियां, अपेयाः न पीने योग्य, प्राप्य प्राप्त करके, भवन्ति हो जाती हैं। अर्थ फिर से हम एक बार पढ़ते हैं। गुण को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण गुण होते हैं, गुणहीनों के लिए तो वे दोष ही होते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल के साथ बहती रहती हैं, पर समुद्र में मिलकर वह भी पीने योग्य
नहीं रह जाती। विशेष अर्थ यह है कि किसी का गुण उसे पहचानने वालों के लिए ही विशिष्ट होता है। जिसमें गुणों को पहचानने की सामर्थ्य नहीं है, उसके लिए तो गुण भी दोष के समान ही होते हैं। इसकी उपमा विष्णु शर्मा जी ने नदी के स्वादिष्ट जल और समुद्र के संसर्ग से उसके अपेय होने से दी है। विलोम पदानि अक्षीणः क्षीणः प्रतिकूलानि अनुकूलानि प्रदानेन आदानेन दरिद्रता धनिकता उपकाराय अपकाराय प्रयत्नः आलस्यम् गुणयुक्तः निर्गुणः। गुर्वी का अर्थ होता है लंबी और क्षयणी लघ्वी वृद्धिमती, मैत्री शत्रुता, छाया आतपः आतपः अर्थात धूप, खलः सज्जनः गुणाः दोषाः, निर्गुणम सगुणम, अपेयः अर्थात जो पीने योग्य न हो पेयः, सज्जनः खलः। एक पदेन उत्तरम लिखत, यत्नेन किम संग्रक्षेत वृत्तम अर्थात चरित्र, किम एति याति च वित्तम अर्थात धन, नरः कस्मात् अक्षीणः भवेत् वित्ततः, कुतः नरः हतो हतः वृत्ततः, नद्यः स्वयं किम न पिबन्ति अम्भः। अम्भः का अर्थ जैसा कि आपको याद ही है जल होता है। वृक्षाः स्वयं कानि खादन्ति फलानि, के सस्यं न अदन्तु वारिवाहाः वारिवाहाः अर्थात बादल, केसाम विभूतयः परोपकाराय भवन्ति सताम। पाठस्तः सरलः शब्देः वाक्यानि रचयत, पिबन्ति पशवः जलं पिबन्ति, खादन्ति जनाः फलं खादन्ति। यत्नेन वृत्तं यत्नेन पालयेत् वक्तव्यं सत्यं वक्तव्यं, हंसाः हंसाः सरोवरे भ्रमन्ति। धन्यवादः। आशा है आपको यह पाठ समझ में आया होगा और आगे के पाठों को जानने के लिए समझने के लिए कृपया मेरे चैनल कृष्णा क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर से आपका धन्यवाद। नमो नमः।